एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, क्या ये कंडीशन पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल, अगर है तो उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करिए। दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का सम है 20 इयर्स, दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का सम है 20 इयर्स। अभी तक सिर्फ इतना ही फुल स्टॉप तक क्वेश्चन पढ़ा है। तो जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज को मैंने एक्स मान लिया, फर्स्ट फ्रेंड की एज है एक्स, तो सेकेंड फ्रेंड्स की एज कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स। इस तरीके हमने पहले ही बताया कि टोटल लेंथ अगर 20 है, टोटल लेंथ अगर 20 है, इतना सा हिस्सा x है, तो ये कितना होगा 20 माइनस एक्स, तो उसी तरह एज है, ठीक है। फिर क्वेश्चन बोला है 4 ईयर अगो जब इनका प्रोडक्ट किया था तो वो आया था 48, जब इनका प्रोडक्ट किया था एजेस का तो वो आया था 48, तो 4 ईयर अगो यानी x माइनस 4, 20 माइनस एक्स में भी अगर 4 माइनस कर दे तो ये रह गया 16 माइनस एक्स। अब इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर दे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से इनका प्रोडक्ट यानी x माइनस 4 का प्रोडक्ट और 16 माइनस एक्स का प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो आता है 48। सॉल्व करते हैं, x को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16x, x को x से करा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, इसको इससे करा तो ये आया 4x, पॉजिटिव का 4x इज इक्वल टू 48। अब ये जितनी भी टर्म्स है इसको इज इक्वल टू उस तरफ ले जाऊंगा, क्यों सर एक टर्म को इधर ले आते हैं ना, इतनी सारी टर्म्स को उठा के वहाँ क्यों ले जा रहे हैं, इतनी मेहनत हम क्यों करें। अरे भाई मेरे इधर देखो माइनस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का एक्स स्क्वायर आपको फिर बाद में जो क्वांटिटी की इक्वेशन बनेगी वो नेगेटिव बनेगी, माइनस वन कॉमन ले जाके चार स्टेप बढ़ाने पड़ेंगे, सचा एक स्टेप की मेहनत कर लो। करते हैं इधर 48 का 48 माइनस 16x और 4x कितना हो गया 20x, तो माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू जीरो, सॉरी पॉजिटिव 64 इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x 48 प्लस 64 112 इज इक्वल टू जीरो। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब मुझे क्वेश्चन में बोला है इज इट पॉसिबल, यानी मुझे चेक करना पड़ेगा, तो पहले मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करता हूँ। अगर मेरी एक्स की वैल्यू रियल ही नहीं आ रही होगी तो मैं आगे सॉल्व ही क्यों करूँगा, तो पॉसिबल होगा तभी आगे सॉल्व होगा। मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेता हूँ, हम इधर फाइंड आउट कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको हटा देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट a की वैल्यू दे रखी है मुझे 1, b की वैल्यू दे रखी है माइनस 20 और c की वैल्यू दे रखी है 112। रखते हैं d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 112, तो ये तो हो गया 400 माइनस ये कितना आ रहा है 448, यानी डी की वैल्यू आ गई नेगेटिव 48, यानी डी जो है वो लेस देन है ज़ीरो के, यानी इसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, हैंस द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, हैंस द सिचुएशन, अगर रूट्स ही पॉसिबल नहीं है तो सिचुएशन भी पॉसिबल नहीं होगी, हैंस द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। आपको नीचे एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, ये हमने स्टेटमेंट लिख दी, क्यों, क्योंकि रूट्स ही अगर पॉसिबल नहीं है, रूट्स ही अगर पॉजिटिव नहीं आ रहे, रियल नहीं आ रहे, तो आगे आंसर भी पॉसिबल नहीं है। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, क्या ऐसी कंडीशन पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क हुज पैरामीटर इज 80 मीटर, जिसका पैरामीटर कितना है 80 और एरिया है 400 मीटर स्क्वायर, अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ की डायमेंशंस फाइंड आउट करिए। तो जो ब्रेथ है उसको हम एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं और जो लेंथ है उसको वाई लेट कर लिया, ब्रेथ को एक्स लेंथ को वाई, अब आप कहेंगे सर ये तो आपने दो वेरिएबल लेट कर लिए तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो गया, अभी आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है पैरामीटर, पैरामीटर इज इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो पैरामीटर की बात करते हैं, पैरामीटर मुझे दे रखा है 80 इज इक्वल टू 2, लेंथ है मेरी वाई प्लस ब्रेथ मेरी है एक्स, मैं इधर से वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, आप चाहें तो एक्स की भी कर सकते हैं, मैं वाई की कर रहा हूँ ताकि अगली इक्वेशन जो मेरी बने एरिया वाली इक्वेशन, अभी बात करते हैं उसकी, जितना अभी दिख रहा है वैसे कर लेते हैं, ये 2 इधर मल्टीप्लाई का है उधर आगे डिवाइड का हो जाएगा, तो ये हो गया वाई प्लस एक्स, ठीक है, ये एक्स इधर पॉजिटिव का है ये नेगेटिव का हो जाएगा, तो ये हो गया वाई की वैल्यू आ गई 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी लेंथ की वैल्यू मेरे पास आ गई 40 माइनस एक्स। उसके बाद क्वेश्चन ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इनका जो एरिया है वो कितना है 400 मीटर स्क्वायर, एरिया है 400 मीटर स्क्वायर यानी लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है एरिया इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई, एरिया की वैल्यू मुझे दे रखी है 800 इज इक्वल्स टू सॉरी 400 दे रखी है 400 इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू कितनी है मुझे नहीं मालूम, मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू कितनी है 40 माइनस एक्स।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब मैंने यहाँ से बोला था आप एक्स की फाइंड आउट करिए या वाई की, मैंने वाई की करते, अगर आप एक्स की करते हैं तो यहाँ पर आप किसकी वैल्यू रखते हैं, एक्स की वैल्यू रखते हैं और वाई के टर्म्स में आता, तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, लेकिन वो वाई के टर्म्स में बनती है, इसमें एक्स के टर्म्स में बन रही है, एक ही बात है। सॉल्व कर लेते तो रह गया 400 = 40x - x2, ये माइनस ये सारी टर्म्स है इजिकल्स टू उस तरफ ले जाते हैं, तो 400 - 40x + x2 = 0 प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं, हाईएस्ट टू लोएस्ट ये आ गया इजिकल्स टू 0। अब कंडीशन पॉसिबल यानी पहले मुझे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ए की वैल्यू मुझे दे रखी है 1, बी की वैल्यू दे रखी है -40 और सी की वैल्यू दे रखी है 400, तो डी इजिकल्स टू b² - 4ac, b² - 40² - 4 × 1 × 4, तो ये बन गया 1600 - 1600 = 0, यानी d की वैल्यू कितनी आ रही है 0, यानी इसके जो रूट्स है रियल भी हैं, पॉसिबल ये, यानी ये कंडीशन पॉसिबल है। पॉसिबल है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, x इजिकल्स टू -± √d/2a, x की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला यही कहता है, माइनस बी यानी -40 ±0/2 × 1, तो रह गया x इजिकल्स टू 40/2 + 0 एंड x इजिकल्स टू 40 - 0/2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 20 एंड यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी आ गई 20, यानी ब्रेथ मेरी कितनी हो गई, ब्रेथ इजिकल्स टू 20 meters और लेंथ मेरी कितनी हो गई, लेंथ मेरी कितनी होगी, अब मुझे वो फाइंड आउट करनी है लेंथ, तो लेंथ के लिए दे रखिए 40 - x, तो 40 - 20, तो लेंथ मेरी कितनी आ गई 20 meters, और यही मेरा क्या है आंसर, यानी लेंथ भी 20 है ब्रेथ भी 20 है दोनों मेरी क्या है 20, तब जाके ये कंडीशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज ये कंडीशन पॉसिबल नहीं हो सकती।